नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी जी। हाँ, जानकी नगर में चुनावी माहौल बिल्कुल गर्मा गया है, बोले तो आखिरी दिन ही है चुनाव का। अब ये देखना होगा कि कौन सा प्रत्याशी सुयोग्य है जानकी नगर के लिए। उसी क्रम में आज हम महादलित बस्ती, ये मुन्नी टोला ही कहलाता है, तो यहाँ पर है और यहाँ पर कई लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जानते हैं कि इस बार का माहौल क्या है और कौन आदमी किसको पछाड़ेगा। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार यादव, कांग्रेस प्रखंड पूर्व अध्यक्ष बनमनखी जानकी नगर। बताइए क्या चुनावी माहौल है इस बार, कैसा सरगर्मी बुझा रहा है? देखिए, सरगर्मी तो एक ही है यहाँ जी। 15 कैंडिडेट में एक ही कैंडिडेट ऐसा है कि जिस तरह ये पौधा है जी, जिस तरह ये बढ़ते बढ़ते फल देता, उसी तरह ये रमेश पासवान जी हैं। और शुरू से सरपंच, दो बार मुखिया, बीच की तरह फले हैं और आज इस स्थिति में है कि यहाँ की जनता 100 में 102% वोट इसी को मिल रहा है और जीतेंगे बहुत बड़ी मतों से जी। ये दोनों पंचायत, चूंकि नगर पंचायत बनी है जी, ये दो ठो पंचायत, इस दोनों पंचायत में आप तो घूमे होंगे जी। हाँ जी, हाँ। तो नेताजी को छोड़ के कभी घूमे हैं? जी हाँ, अभी हम कैसा माहौल है? माहौल अभी हम सिकठिया से आ रहे हैं, मधुबन को क्या कहते कुर्मी टोला से आ रहे हैं जी। हर जगह गए हम लोग, साथ में नहीं थे ये बूढ़ा बाबा साथ में थे और सब आदमी वहाँ से एक ही नाम था कि हम लोग का बहुत अच्छा कैंडिडेट, जबकि जो समय बाद 24 घंटा में खोजते हैं तो रमेश पासवान जी हाजिर। क्या कहना चाहेंगे आम पब्लिक को इस बार? आम पब्लिक को हम यही कहना चाहेंगे कि मौका मिला है, नगर पंचायत बना है फर्स्ट बार और कार्य होगा, सरपंच और मुखिया में रह के कार्य किए हैं और जब नगर पंचायत में अगर जीत के आते हैं तो बहुत बड़ा है, दोनों पंचायत के लिए जो है ना शुभ घड़ी आ गया है, अच्छा से कार्य काम होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम था बाबा? जोगिंदर पासवान। पासवान जी, तोरा तो बहुत जीने छी हम। अच्छा, ये बताइए हमको कि क्या सिचुएशन माहौल है अभी? हाँ, रमेश बाबू का। अच्छा हाँ, और टका पैसा दल नौकरी पक्ष? नहीं सर, एक पैसा नहीं। अच्छा, हम लोग पैसा पर नहीं खेले हैं और वोट दे करके जिताएंगे और हमारा घर सिकठिया हुआ जी जी जी, जोगिंदर पासवान मेरा नाम हुआ जी जी जी। अब की हम लोग दोनों पंचायत मिल करके रमेश बाबू को माला पहनाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका। और आप तनी इधर आइए। अरे फोनवा में बाद में बात कर लीजिएगा बाबा। रे बाबा कहाँ हैं? है कहाँ परिचय हुआ आपका? चंदन कुमार यादव जी। सर ये बताइए कि इस बार का चूँकि भाग्य लिखना है सभी आदमी को और नया नया नगर पंचायत भी बना है, तो किस तरीके का प्रत्याशी आप लोग चाहते हैं और किसका ज़्यादा वर्चस्व? अभी 15 कैंडिडेट हैं जी मुख्य पार्षद में जी जी, समर में चल रहा है, ये तो भाग्य विधाता जनता लिखेगा जी। हाँ, जनता लिखेगा। हाँ, लेकिन एगो अनुमान था, एगो बात होगा, अभी सब कह रहा है हम जी। अच्छा, आपका हृदय क्या कहता है इस बात? हाँ, अभी तक तकदीर जो है रमेश बाबू का। हाँ, ये चमक रहा माँ काली की दुआ से जी जी, हमें जान गए जी जी जी। हाँ, जी जी जी, और इसको पता नहीं है कोई चीज का जो कहाँ क्या क्या है रमेश बाबू, इसको कोई पता नहीं। पता तो सबके है, बोलना। हाँ, नहीं चाहते हैं, बोलना आप नहीं समझते हैं, आप बतुआ को नहीं समझते। आप आइए, आप आइए। हाँ, आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? धर्मनाथ साहब। अच्छा, ये बताइए इस बार का क्या माहौल रहेगा आने वाला? माहौल अब की बार बहुत गर्म है रमेश बाबू का। अब की बार यही जीतेगा, यही जीतेगा पक्का। अच्छा बताइए किस क्या छाप है इसका? खटिया छाप है, 10 नंबर पे है। बिल्कुल रट लिए हैं। हाँ जी, मतलब हृदय से रट लिए हैं। आपका बहुत बढ़िया लगा। क्या नाम बताए थे आप? धर्मनाथ साहब जी। जी आप आइए। है देखिए पीछे में काहे एकदम खड़े हैं और मुस्का रहे हैं। ये बताइए हमको कि चूंकि जानकी नगर का विकास का भी मामला है और दो पंचायत नगर पंचायत बनी है, तो इसमें क्या कहेंगे आप इस जो प्रत्याशी जो आपके साथ में घूम रहे हैं रमेश जी, इनके बारे में क्या कहना है? रमेश बाबू अब की बार जीतेगा। एक हाल ही बोल दीजिए ना। काम करता है बढ़िया तो कायम जीतेगा। अच्छा, पहले से काम बढ़िया? हाँ, पहले से काम बढ़िया कर रहा है, मतलब 2-3 टर्म से आपके सेवा में तत्पर पहले से है। हाँ, इस वजह से आप एक डायरेक्टर बोल दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर आइए, सिकरी वाला चैन दिखाते हैं। आपका नाम है? नाम मेरा नवीन कुमार पासवान है और 20 साल से मुखिया बहुत बढ़िया में काम किया है, सरपंच भी रहा उस टाइम भी बढ़िया काम किया और मुखिया इसका पत्नी भी रहा उसमें भी बढ़िया काम किया, 3 महीना का मुखिया रमेश बाबू रहे उसमें भी बढ़िया काम किया, अब की भी बार बढ़िया काम करेगा, पूरा जनता इसके साथ है और जहाँ तक हम बाहर में रहते हैं जी वहाँ से इसके लिए और पूरा आदमी को साथ देने के लिए हम आए हैं और साथ देंगे और बढ़िया वोटों से इसको जिताएंगे जी। एक चीज़ और बताइए आप,
आप बहुत बढ़िया, बगैर पूछे सब जवाब दे दिए, बगैर पूछे सब जवाब दिए, तो मतलब कहीं ना कहीं बतवा तो है, है? हाँ, हाँ। बतवा है, बिल्कुल जीतने वाला बात है, एकदम बोल, एकदम कोई हराने वाला नहीं है, इसलिए कि जनता बोल रहा है, ये नहीं रमेश बाबू नहीं बोल रहे हैं, अच्छा। जनता बोल रहा है कि हम अब की बार रमेश बाबू को ही जिताएंगे और बढ़िया वोटों से जिताएंगे, काम भी बढ़िया चमका के किया है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप तनी इधर आइए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ धनिकलाल पासवान। अच्छा पासवान जी, ये बताइए, चूंकि जातीय अगर समीकरण देखा जाए तो जानकी नगर में सब चीज दिख रहा है सामने सामने, एकदम साफ साफ है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें रमेश बाबू के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ सर जातीय समीकरण की बात नहीं है, ठीक। जातीय समीकरण से कोई भी जाति कहेगा कि अगर मैं जीत जाऊँ नहीं, ये मुश्किल है, मुश्किल है। और रमेश बाबू ने जो काम किया है, ये जात पात से ऊपर उठ करके, ये नहीं देखा कि हमारा जात है, ये नहीं देखा कि वो दूसरा जात है, सबके लिए बराबर काम किया है। अपने क्षेत्र में जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इस बार जो भी जनता है हमारे समाज के, सब एकजुट होकर के रमेश बाबू को वोट देने के लिए, चाहे कोनो जात, जी 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 जी, बिल्कुल से कोई भी जात हो, रमेश बाबू के समर्थन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोले? 12 बजे रात को बोलाता है रमेश बाबू को, तो गमछी पहर करके दौड़ जाता है। ऐसा ही नेता चाहिए, हाँ, ऐसा नेता चाहिए, ऐसा नेता चाहिए, हाँ। रमेश पासवान, रमेश पासवान नेता कैसा हो? आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपको बता दे कि चूंकि चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है और कल से चुनाव बंद भी हो जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आम जन को सोचना पड़ेगा कि जानकी नगर का भाग्य हम कैसे लिखें और कौन सा सुयोग्य उम्मीदवार होगा जो रथवों में आ जाता है, दिनवों में आ जाता है, तो यही सब चीज़ को देखना पड़ेगा कि इस बार हम किसको अपना बहुमूल्य वोट देंगे। जानकी नगर से MS परदेशी।